धोकर जलती दिखाई दे रही है। कंपनी एनआईटी फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में स्थित है। बता दें आपको, कंपनी में बर्नर बनाने का काम किया जाता है जिससे केमिकल का प्रयोग किया जाता है। आज मजदूर जब कंपनी में काम कर रहे थे कि अचानक कंपनी में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी और धुआं दूर आसमान दूर तक छा रहा था। आग की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। तभी पुलिस को पता लगा कि कुछ मजदूर कंपनी में फंसे हैं, जिसके बाद एक हेड कांस्टेबल रणधीर ने अपनी जान पर बाजी लगाकर कंपनी में आग की लपटों के बीच फंसे मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाला। वहीं कंपनी में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि वह कंपनी में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और आग लगने के समय इस कंपनी में लगभग 150 मजदूर काम कर रहे थे, जिन्होंने अपनी जान के साथ साथ चार और अन्य मजदूरों की जान बचाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर इलाके के पूर्व पार्षद योगेश डिंगरा ने फायर ब्रिगेड पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि आग लगाने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के पास इतने अच्छे इंतजाम नहीं हैं कि वह आग पर जल्द से जल्द काबू पा सके। उन्होंने बताया कि इनमें कई मजदूर फंसे थे जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। तो वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया कि कंपनी रिहायशी इलाके में चल रही है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्या नाम है आपका? अनंत। कौन सी फैक्ट्री है ये? जीटेक। क्या बनता है यहाँ पर? बर्नल। बर्नल, कैसे आग लगी है? रेगुलेटर दिया हुआ है। तो आपको कितने साल हो गए इसमें काम करते? 15 साल से हो। तो अभी और भी अंदर है कोई? अभी 4 को निकाल के लाया। 4 को निकाल के, और कोई अंदर? अभी अंधेरा लग रहा, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। वैसे कितने बंदे काम करते थे इसके अंदर? 150 बंदे। 150-200 बंदे काम करते थे। क्या नाम है सर आपका? योगेश कुमार ढींगला। सर आग लगी है आपके इलाके की कंपनी है, क्या है हादसा, क्या जानकारी मिल पाई है? सूचना आई हमारे पास कि भाई साहब 3 नंबर आग लग गई, फायर ब्रिगेड को सूचना करो। हमने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को सूचना की, तुरंत मौके पे पहुंचे, देखे तो भयंकर हादसा था, आग लगी हुई थी। यहाँ के मालिक गांधी हैं, उनके कर्मचारियों से पता लगा। बहुत से कर्मचारी हमारे सामने भी घायल अवस्था में गए हैं, एम्बुलेंस लेके गई है। मौके पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने का, पर आज जो कमी खली, हादसा तो हुआ, कमी कुछ ना कुछ रही होगी, वो उसके बावजूद जैसे हमारा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है, जो फरीदाबाद नगर निगम की फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास संसाधन होने चाहिए, उनका अभाव खला। कर्मचारी अपने दिल से मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पे लगाकर आग बुझाने का प्रयास किया उन्होंने, वो काबिले तारीफ था नगर निगम के कर्मचारियों का, पर उनके पास जो संसाधन होने चाहिए थे, जैसे कि यहाँ पे आग लगी, तेल में आग लगने से फैली आग, उसको बुझाने के संसाधनों का अभाव था। लोगों से जानकारी से पता लगा फर्नेस थी यहाँ पे और बर्नर बनते थे। यहाँ पे कितने मजदूर फंसे हुए थे? कुछ पुलिसकर्मी, उनको भी निकाला भी है, कितने फंसे हुए थे, कितने घायल हैं? पूरी जानकारी तो आपको प्रशासन बता पाएगा, पर अभी अंदर जा नहीं पा रहे पूरे कर्मचारी, अभी भी अंदर से धुआं निकल रहा है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई संभावना फंसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि बता रहे हैं 60-70 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे, 8-10 हमारे सामने एम्बुलेंस लेके गई है, उनको घायल अवस्था में यहाँ से लेके गई है। अंदर अंधेरा है, धुआं है, तथा नगर निगम के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं अंदर घुसने का। भाई साहब, मेरा नाम वसुमित सत्यार्थी है, 3 नंबर सी ब्लॉक में रहता हूँ। आज ये जो बहुत ही दुखद घटना हुई है, ये एक बर्नर बनाने वाली फैक्ट्री है और साइड पे इनके फर्नेस है जहाँ पे ये अपना जलाते हैं उसको, और डीजल के भरे हुए ड्रम भी पड़े हुए थे। एक ड्रम से ये ऑफलोड कर रहे थे डीजल को, किसी तरीके से मिस हैंडल हुआ है वो, तो जैसे ही मिस हैंडल हुआ है वो ड्रम से सारा डीजल नीचे गिरा है, जिसके कारण फर्नेस में एकदम आग पकड़ ली है। आग के पकड़ते ही यहाँ पे फैक्ट्री में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है और फैलते फैलते फैक्ट्री में आग बढ़ गई। मालिक ने भी खुद भी यहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, आसपास के लोग आ गए जिनके कारण इमीडिएटली लोगों को इन्होंने निकालने की कोशिश की। बताया जाता है इस फैक्ट्री में धमाके भी हुए हैं। धमाके इसलिए हुए क्योंकि देखिए हर फैक्ट्री में डीजल केमिकल ये चीज़ें पड़ी होती हैं। जैसे अभी बताया कि आग जो पता लगा डीजल के कारण लगी है, तो डीजल के और भी ड्रम होंगे, तो जैसे हीट बनी है डीजल के ड्रम सुनने में आया है। 15 से लगभग कितने कर्मचारी काम करते थे? 70 से 80 कर्मचारी पता लगाया कि इस पे काम करते थे। कोई कर्मचारी फंसा हुआ नहीं, ये अभी इन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने, पुलिस वालों ने भी कंफर्म किया, ऊपर तक जाके देख के आए हैं।
इस समय कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं है। मालिक भी यहाँ पे घूम रहे थे, उन्होंने भी कन्फर्म किया है कि अब अंदर कोई नहीं है। तो ऊपर भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी चढ़े हुए हैं, फायर को बंद करने के चक्कर में है। थोड़ी बहुत जो ऊपर लास्ट फ्लोर पे है इनके, फोर्थ फ्लोर पे, और काफ़ी बचाव, जान माल की हानि नहीं हुई, उस पर बचाव हो गया है। लाखों की माल की तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये है रेजिडेंशियल एरिया में, ये प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया के पास में आपकी इंडस्ट्री है जो कि हमेशा ही खतरनाक है। इससे पहले भी आग लगी थी? पहले का मेरे को आइडिया नहीं है, पर ये शुक्र है कि आसपास के रिहायशी इलाकों में कहीं को दिक्कत नहीं आई है। बहुत बड़ी नुकसान हो सकता था, भगवान का लाख शुक्र है कि बचाव हो गया।